हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी प्लैनेट रिएक्ट। सो कैसे हैं हैं आप आप लोग? लोग मेरा नाम है विशाल, मैं हूं चैताली। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और गाइस, सबसे पहले आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इसी मौके पे हम आपके लिए एक तगड़ा ट्रेलर लेके आए हैं। बिल्कुल। और उसका नाम है पावन खिंड। एक्चुअली 2-3 दिन पहले हम लाना चाहते थे बट बहुत बिजी थे, नहीं ला पाए। आप देख रहे हो वीडियोस भी काफी स्लो आ रही है, तो थोड़ा सा काम चल रहा है। कोई नहीं यार, आज का दिन भी बहुत अच्छा है। आज का दिन काफी अच्छा है और इसी फ्रेश मूड में बढ़िया सा ट्रेलर हम देखते हैं। पावन खिंड एक मराठी मूवी है और पहले थोड़े से क्रेडिट देख लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, है ना? बिल्कुल। तो और इसकी हिस्ट्री भी काफी रंजक है, हम वीडियो के बाद उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्रेडिट्स है डायरेक्टेड बाय दिग्पाल लांजेकर, प्रोड्यूस बाय अजय अरेकर, अनिरुद्ध अरेकर, भाऊसाहेब अरेकर। स्टार्टिंग है चिन्मय मांडलेकर, मृणाल कुलकर्णी, प्राजक्ता माई, दीप्ति केतकर, रुचि सवर्ण, माधवी नेमकर। ओके। सिनेमाटोग्राफी है अमोल गोले की, अमोल गोले एक्चुअली। म्यूजिक बाय देवदत्त मनीषा बाजी। ओके। तो यार एक्चुअली मैंने अभी तक देखा नहीं है ट्रेलर, लेकिन बहुत सुना है कि बहुत तगड़ा ट्रेलर है। हमें टाइम नहीं मिला तो हम फर्स्ट टाइम अभी आप ही के साथ ट्रेलर देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ट्रेलर देख लेते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। तो चलो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आले आले गनी मखिंडित चौताळुनी आले, झाले झाले सज्ज मराठे सरसावुनी भाले, संख्या दुप्पट रिपुची परिते निकराने लढती, हर हर गर्जुनी समर रंगणी तुटोनिया पडती, खडगाचे खणखणाट त्यामधी शर सणसण येती, मारण मरणा वीण नेणते वीर रणी रंगती। शिवाजी से निपटने के लिए सिद्धि जौहर को भेजा जाए तो गेले 4 महीने लेकर पन्हाळगडावर अडकलेत, त्यांना सोडवायला जायला नको। इस बार शिवाजी बच गया तो तुम सबकी लाश से बिछा दो। नका चिंता करू, माझा लेक आहे ना राजांबरोबर। आताच्या आता जातो आणि पन्हाळ्याचा येडा फोडून कसम लेते की शिवाजी महाराज को छुडा केलाय। अरे राजांचं शिलेदार आम्ही, आमच्या रक्ताचा रंग एकाच। भगवा भगवा। पोचल्यावरती तोफांचे 5 बार द्या, तोपर्यंत या घोडखिंडीत अडकून ठेवतो गनी। अकेले खड़े हो, हट जाओ वरना की मारा देंगे। चल। एक नंबर। ओके, 18 फेब्रुवारी भाई
मुझे तो गूज़बम्स आ गए। गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब देखते समय ही देखते बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर था। एंड कल ही मूवी रिलीज हुआ है 18 फरवरी को, और बहुत ही तगड़ा ट्रेलर था भाई। तगड़े तगड़े एक्टर्स हैं, चिन्मय मांडलेकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका निभा रहे हैं, और ये जो है एक्चुअली इसके पीछे का मैंने कहा कि थोड़ा सा इतिहास ऐसा है कि पन्हाड़ा किले पे जब शिवाजी महाराज थे तब सिद्धि जौहर ने चारों बाजुओं से उन्हें घेर लिया था उनकी फौजों ने, तो तब उनको वहां से कैसा निकाला गया इस पे ये मूवी बेस्ड है। और अब ये जो पावन खिंड है, खिंड मतलब जो दो माउंटेन्स होते हैं उन दोनों के बीच में से जो एक नैरो पैसेज होता है जो घोड़ों के लिए खास करके यूज होता था उस टाइम पे, तो उसे वो घोड़ खिंड कहते थे, मतलब उस नैरो पैसेज से वो पास होते थे। तो उसी पैसेज को बाजी प्रभु देशपांडे जी ने ब्लॉक कर दिया था और बहुत से हजारों सैनिकों को उन्होंने मतलब मारा था। तो ऐसा वो इतिहास है, तो काफी डीप है, आप विकिपीडिया पे जाके भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सी चीजें उन्होंने बताई है कि सिद्धि जौहर ने मतलब कितना ट्राई किया था छत्रपति शिवाजी महाराज को वो पकड़ पाए, उन्हें कैप्चर कर पाए, कैद कर पाए बट नहीं पॉसिबल हुआ। और विशाळगढ़ पे वो जब पहुंच जाते हैं तब तक वो जो पूरी खिंड है वो नैरो पैसेज था, जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज विशाळगढ़ पे पहुंच चुके थे तब तक वो लड़ते रहे उस नैरो पैसेज में, उस खिंड में, और तभी उनके खून से वो जो पवित्र हुई ना, वो जो जगह पवित्र हो गई, बिल्कुल। वो जो नैरो पैसेज जो खिंड थी वो पवित्र हुई, तो तभी उसका नाम पावन खिंड ऐसा पड़ा। तो इसलिए मूवी का जो टाइटल है वो पावन खिंड है, मराठी में जो है वो पावन खिंड इसीलिए वो दिया हुआ है। अभी बेसिकली हम मराठी है, महाराष्ट्र में रहते तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं इससे, तर थोड़ा सा मराठी मध्ये पण बोलतो कि अतिशय जबरदस्त ट्रेलर होता आणि कालच रिलीज झालेला आहे, उद्या आम्ही बघणार आहे 100% आणि जबरदस्त काम केलेलं आहे। म्हणजे चिन्मय मांडलेकर असतील, बाजी प्रभूंची जी भूमिका ज्यांनी साकारली ते असतील, एव्हरीथिंग, आणि असं बिलकुल वाटत नाही की मूवी एकदम असा ब्लॉकबस्टर वाटतो, एकदम भरलेला वाटतो, है ना। आणि सिक्वेन्स बॅकग्राऊंड स्कोर बहुत ही तगडा था, बॅकग्राऊंड स्कोर तेव्हा तसे शहारे येत होते अंगावर, बिल्कुल। तर खूपच मस्त ट्रेलर आहे, एक नंबर। और बॅकग्राऊंड स्कोर काफी तगडा था, सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी थी, और आज जैसे कि दिन भी बहुत ही अच्छा है, जसं की छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे, येस, आणि आम्ही तुमच्यासाठी हा ट्रेलर घेऊन आलो। हमको तो ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यार अभी तक चैनल पे नहीं होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारे ब्लॉग चैनल पे भी जाइए, तिथे आम्ही दोन ब्लॉग्स टाकले आहेत जे एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग्स आहेत, तो वो भी आप देखिए, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye-bye. Bye-bye.